लोकतांत्रिक जनता दल का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्णिया के नगर प्रखंड में किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें जिला अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है और सभी कार्यकर्ताओं को सरकार एवं बिहार सरकार के किसान विरोधी, दलित विरोधी एवं सामाजिक सौहार्द विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जानकारी अवगत कराना चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के भी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसको जो खतरना है 2019 में, और हम चाहते हैं कि महागठबंधन के दल से उम्मीदवार है, कार्यकर्ताओं का हमारे दल के कार्यकर्ताओं का भावना है, और सभी महागठबंधन के जितने ही दल के कार्यकर्ता हैं सभी कर, क्योंकि हम ग्रास रूट पे काम करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहना चाहते हैं। सभी दलों के कार्यकर्ता का एक मत है कि उम्मीदवार जो है कार्यकर्ता है इस बार, और यही बात हम लोग नेता को रखते हैं, और ये बात आप लोगों के बीच से भी उठना चाहिए। पराशोक से जो लोग भाजपा में या पार्टी का नाम हम नहीं लेंगे, वही पार्टी का लोग अब जो है देख रहा है कि उपाय नहीं है तो पराशोक उतरने का प्रयास इधर कर रहा है, तो इससे भी सावधान रहना, और मौका रहने से पहले इसको मंगा करना। ये चीज जो है समझ रहे हैं ना, तो ये चीज को जो है सभी को ध्यान रखना है।